पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारतीय वायुसेना का MiG-29 फाइटर जेट एक तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस दुर्घटना की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि पायलट ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। दरअसल जब MiG-29 विमान में तकनीकी खराबी आई, तब पायलट ने तुरंत निर्णय लेते हुए इसे आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने का फैसला किया। उनके इस साहसिक कदम से बाड़मेर जिले की लाखों जिंदगियां बच गई। विमान को पायलट ने कवास और मंगला ऑयल कंपनी के इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर क्रैश करवाया। आपको बता दें, MiG-29 विमान नियमित रात्रि प्रशिक्षण पर था, जब अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाकर गिराया और खुद समय रहते सफलतापूर्वक इजेक्ट कर गए। वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद वायुसेना और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन और SP नरेंद्र सिंह मीणा ने स्थिति का जायजा लिया। इस घटना के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा सके। ऐसे फाइटर विमान कवास के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस पे तुरंत ही फिर एयरफोर्स से भी सूचना मिल गई थी कलेक्टर साहब के बाद, तो तुरंत ही SHO नागाणा को मौके पे पहुंचाया और तुरंत SDM साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एडिशनल SP सभी पुलिस के अधिकारी आ गए और एयरफोर्स के भी सभी अधिकारी आ गए। ये जो अलानियों की ढाणी आप मौके पे वहाँ हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित है, इनको पहुंचा दिया गया। स्थानीय स्तर पे जानमाल का नहीं, स्थानीय स्तर पे कोई जानमाल का नहीं, पायलट ने सूझबूझ से कार्य किया और जैसे यहाँ ग्रामीण लोगों को था वो भी मदद के लिए सभी लोग आगे आ गए थे। ग्रामीण आए, रेस्क्यू चल रहा है, खत्म नहीं, अभी चल रहा है, सुबह तक चलेगा। अभी तो वो सारी चीज जो कार्य है एयरफोर्स की, जो SOP है उस हिसाब से कार्रवाई। सर यहाँ पर रास्ता नहीं है तो ऐसे में फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच पाई है? नहीं, उसका ये चल रहा है, अभी ये जल रहा है जैसे बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड भी कर रहे हैं प्रयास, अधिकतर वो जल ही गया जो फाइटर विमान था, तो उसका वो पूरा होकर जो भी इनकी SOP होगी एयरफोर्स की, तो पूरा 400 मीटर तक दूर रहने के लिए कह दिया गया और पर्याप्त मात्रा में जाप्ता लगा दिया। स्थानीय ग्रामीण रिडमल सिंह ने लोकल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पायलट की सूझबूझ के कारण ही लाखों की आबादी वाले कवास और सबसे बड़े क्रूड ऑयल वाले मंगला कंपनी से दूर जाकर विमान को गिराया गया। अगर ये विमान आबादी वाले इलाके में गिरता तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी। क्या नाम है? मेरा नाम रिडमल सिंह है, मैं शहीद परिवार से हूं, शहीद उगम सिंह के ढाणी से हूं। जब ये पता चला 10 बजकर करीबन, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे बच्चे और छोटा भाई घर पर था, तो हॉस्पिटल में प्रशासन द्वारा अलर्ट मोड में रखा गया कि कोई मेरे MiG क्रैश हो गया है और आप अलर्ट मोड में रहे। तब डॉक्टर साहब से मेरा संपर्क हुआ और घर से तुरंत मेरा कॉल आ गया बच्चों का, बोला पापा जी इधर कोई हवाई क्रैश हो गया और नीचे उतर रहा है, कोई आवाज़ आ रही है। तब मेरा छोटा भाई गया वहाँ, तुरंत पायलट उतर गए थे, पायलट को देखा, सुरक्षित उनसे बात किया और प्रशासन को मोड पे प्रशासन को संपर्क किया और पायलट साहब उसके बात करा दिया एयरपोर्ट कैडो साहब से। और तब तक हम लोग आवास में हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से ऊपर से ये आग का गोला बना हुआ MiG निकल रहा था और एक इसके अंदर जो जाबान शेर था अपना पायलट, उसने अपनी कवास मार्केट और ऑयल फील्ड को बचाते हुए एक सुरक्षित जगह पर लाके विमान को उतार दिया। दो पायलट थे, दोनों पायलट सुरक्षित है और एयरफोर्स को सुपुर्द कर दिया। दोनों की आबादी माने कितनी है? आबादी करीबन लाख के करीबन आबादी है और यहाँ ऑयल फील्ड काम कर रहे हैं, कम से कम 2-3 लाख श्रमिक यहाँ बाहर के श्रमिक काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा ऑयल फील्ड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादन यहाँ पे है और इसके ऊपर से ये विमान क्रैश होने के बाद उसके ऊपर से गुजरा है। पायलट की सूझबूझ के उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए पायलट को। कितने किलोमीटर दूरी था ये? सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पे था ऑयल फील्ड और कवास मार्केट जो घनी आबादी है, यहाँ बड़ा शहर है कवास, 1 किलोमीटर दायरे में था, उसके ऊपर से ये गुजरा है। एक पायलट 10 किलोमीटर पीछे उतरा था, दोनों पायलट ने आपस में जब विमान क्रैश हो गया तो उनको पता चल गया विमान में तकनीकी खराबी आ रही है, एक पायलट को उसने तुरंत उतार दिया, दूसरे पायलट ने अपनी जान की न परवाह करते हुए घनी आबादी से प्लेन को बाहर निकाल दिया। यह घटना हमें एक बार फिर से याद दिलाती है कि हमारे जांबाज पायलट किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देश और देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज बाड़मेर के लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और भी बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।